वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर ASDP के सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट वेटनरी एनाटॉमी में लेसन नंबर 8 यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का जो दो पार्ट के बारे में हमने शुरू में कहा था, भी डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो भागों में बांटते हैं। एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल जो मुख से शुरू होकर गुदा तक जाता, जो एक होलो पाइप टाइप है। उसमें हमने देखा था सबसे पहले माउथ है, माउथ बकल केविटी है, फिर फेरेंक्स है, फेरेंक्स के बाद में ईसोफेगस है, ईसोफेगस के बाद में स्टोमक है। स्टोमक में हमने रूमिनेट में जैसे 4 कंपार्टमेंट है, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम, और जो नॉन रूमिनेट में एक ही कंपार्टमेंट है स्टोमक। स्टोमक के बाद में फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसके 3 पार्ट थे, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। उसके बाद में फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें सीकम, कोलन और रेक्टम और फिर एनस। इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब जो सेकंड पार्ट है जिसको हम कहते हैं एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, यानी ये ऑर्गन्स जो है ये एसेसरी ऑर्गन्स है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में नहीं जुड़े होते हैं, लेकिन इनका काम डाइजेशन का काम ये करते हैं। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ अटैच नहीं होते हैं, यानी उसके कंटिन्यूस में नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ आते हैं। इसमें एक तो आता है लार ग्रंथियाँ, सेलेवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियाँ जिसको सेलेवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। ये मुख्य रूप से पशुओं में इसके 3 जोड़े होते हैं, यानी ये जोड़े में होती है, इसके 3 जोड़े होते हैं जो मुख में यानी जो बकल केविटी में लार को स्रावित करती है, यानी लार को, जिसे लार आप सब जानते हो, चिपचिपा पदार्थ जो होता है मुंह के अंदर जो भोजन को पचाने में भी काम करता है, उनका भोजन को जब हम चबाते हैं तो उसको स्वादिष्ट बनाता है, प्लस उसका बोलस बनाने में सहायता करता है, बोलस बनाने में। तो ये जो लार ग्रंथियां हैं यानी सेलेवरी ग्लैंड से, ये 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कौन कौन सी है? एक है पेरोटिड सेलेवरी ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं कर्णमूल लार ग्रंथियाँ, कर्णमूल लार ग्रंथियाँ यानी पेरोटिड सेलेवरी ग्लैंड। सेकंड है सब मैंडिकुलर सेलेवरी ग्लैंड या जिसको बोलते हैं सब मैक्सिलरी सेलेवरी ग्लैंड, या इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं अव अधोहनुज लार ग्रंथियाँ। अव अधोहनुज लार ग्रंथियाँ। तीसरी टाइप है सबलिंगुअल सेलेवरी ग्लैंड्स या जिसको अवजिह्वी लार ग्रंथियाँ बोलते हैं। अव का मतलब होता है नीची और जिह्वी का मतलब जीभ के नीचे पाई जाने वाली लार ग्रंथियाँ। तो हम इनका एक एक का अब वर्णन करेंगे। यानी कर्णमूल जो पेरोटिड सेलेवरी ग्लैंड है, कर्णमूल ये एक्चुअल में जो है, आपने अगर अपनी बुक में पेज नंबर आप देखो, आपकी बुक में पेज नंबर 216 पे जो डायग्राम दिया हुआ है ग्लैंड्स का, उसको आप जब इस लेक्चर के बारे में पढ़ो तो उस डायग्राम को निकाल लेना, उसमें ये सारी ग्लैंड्स जो है दी हुई है। तो हम देखते हैं पहले कर्णमूल या पेरोटिड सेलेवरी ग्लैंड। ये जो सेलेवरी ग्लैंड है ये जोड़े में पाई जाती है, यानी दोनों साइड में है सिर के, यानी दोनों कान के नीचे, प्रत्येक कान के नीचे की ओर, यानी कान जो है इसके नीचे, ये जो जगह है ये कान के नीचे यहाँ पे, और मैंडिबल यानी ये जो मैंडिबल हमारा नीचे वाला जबड़ा है इसका मैंडिबल है ये, इसकी जो रेम्स है यानी ये आगे जाके जो ऊपर की साइड मुड़ता है उसको रेम्स है। रेम्स आपने पढ़ रखी है एनाटॉमी, जब मैंने आपको जबड़े के बारे में बताया था तो मैंने आप बताया था रेम्स क्या होता है। तो ये प्रत्येक कान के नीचे मैंडिबल की रेम्स के पीछे स्थित होती है, इसलिए इसको
कर्ण मूल ग्रंथि भी कहते हैं, कर्ण मूल सेलरी ग्रंथ मतलब लार ग्रंथि भी बोलते हैं। ये त्रिकोणात्मक होती है, ये त्रिकोण के आकार की होती है, लंबी और लाल भूरे रंग की होती है, यानी एक लंबी होगी त्रिकोण के आकार की होगी, लाल भूरा रंग होगा इसका। इसका वजन लगभग 115 ग्राम होता है। इस ग्रंथि का वजन, एक ग्रंथि का वजन लगभग 115 ग्राम होता है। हर ग्रंथि में दोनों साइड की जो एक एक ग्रंथि होगी, प्रत्येक ग्रंथि में एक एक लंबी नलिका, यानी जिसको हम कर्णमूली वाहिनी या पेरोटिड डक्ट कहते हैं, एक नलिका इसमें से निकलती है, उसको हम पेरोटिड डक्ट भी बोलते हैं। इस डक्ट को हम स्टेंसन्स डक्ट भी कहते हैं, स्टेंसन STENSON स्टेंसन्स डक्ट भी कहते हैं। यह नलिका जो है, इस पेरोटिड ग्लैंड से निकलने वाली नलिका जिसको हम स्टेंसन्स डक्ट या पेरोटिड डक्ट बोलते हैं, यह ऊपरी जबड़े के ऊपर वाला जबड़ा जो है उसका द्वितीय मोलर, देखो मोलर आपने समझा, पहले जो इंसाइजर टीथ है उसके बाद में आता है प्री मोलर, फिर आता है मोलर। तो मोलर तीन होते हैं, रूमिनेंट में तीन मोलर हैं एक जबड़े में, यानी एक साइड के जबड़े में तीन मोलर है। तो जो दूसरा मोलर है उसके सामने जो पेपिली सेलिवेलिस होती है, पेपिली, उस पेपिली सेलिवेलिस के आधार पर ये डक्ट खुलती है। तो ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ खुलती है, ये पेपिली सेलिवेलिस की आधार पे खुलती है। इसके स्राव में, यानी ये जो पेरोटिड ग्रंथि है लार ग्रंथि, इसका जो सिक्रीशन होता है, स्राव जो होता है, उसमें जल, लवण एवं सेलेवरी एमाइलेज और टाइलिन, यानी सेलेवरी एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम है, एमाइलेज और टाइलिन। तो एक तो लवण होगा, एक उसमें पानी होगा वाटर, और एक उसमें सेलेवरी एमाइलेज और टाइलेज, ये उसमें पाए जाते हैं। तो आपको एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि पेरोटिड सेलेवरी ग्लैंड का जो सिक्रीशन है उसका कंपोजिशन क्या है, तो उसका कंपोजिशन है वाटर, लवण, सेलेवरी एमाइलेज और टाइलेज। अब दूसरी जो मैंडिबल है, सेलेवरी ग्लैंड है, वो है सब मैंडिबुलर सेलेवरी ग्लैंड, जिसको हम सब मैक्सिलरी सेलेवरी ग्लैंड भी बोलते हैं, या इसको अव अध अधो अनुज, अव अधो अनुज, अव अधो अनुज लार ग्रंथि भी बोलते हैं। ये जो तीन प्रकार की जो ग्रंथियां होती है, मतलब सेलेवरी ग्लैंड से तीन प्रकार की, पेरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल, उन तीनों में ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। रूमिनेंट में, जुगाली करने वाले पशुओं में, ये इन तीनों में सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि रूमिनेंट में जो लार ग्रंथि है उनमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो वो है सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। ये मैंडिबुलर अस्थि के कोण के आंतरिक सतह पर, जो मैंडिबुलर अस्थि है उसका कोण है, मैंडिबल जो है उसका जो कोण है, ये मैंडिबल यूज आगे पीछे ये ऊपर होता है ना, जो उसका एक कोण बनता है, उस कोण के आंतरिक सतह पर ये स्थित होती है, यानी इसके नीचे स्थित होती है आंतरिक सतह पर। इसका ये भी एक लंबी हल्की पीली, यानी इसका कलर हल्का पीला होता है, लंबी होती है ये, और खंडीय ग्रंथि है, यानी लोबुलेटेड है, लोब्स बने होते हैं इसके, लोबुलेटेड मतलब लोब्स बने होते हैं इसके, खंड अलग अलग खंडों में। इसका वजन 130 से 150 ग्राम के लगभग होता है। इस यानी पेरोटिड ग्रंथि का वजन 115 ग्राम था, ये चूँकि उससे बड़ी होती है इसलिए 130 से 150 ग्राम के लगभग इसका वेट होता है। इसकी जो नलिका निकलती है, इसकी जो ग्रंथि से जो नलिका निकलती है, जो मुंह में खुलती है, उसको बोलते हैं हार्टन्स डक्ट, हार्टन्स डक्ट, हार्टन्स डक्ट बोलते हैं उसको। W इसमें साइलेंट है, WHARTON अपोस्ट्रोफी S, नी हार्टन्स डक्ट, या इसको सेमी सब मैंडिबुलर नलिका भी कहते हैं, सब मैंडिबुलर नलिका भी कहते हैं, जो मुख गुहा के फर्श पर, यानी जो ये हमारा मुख गुहा है, कैविटी है, वोकल कैविटी, उसके फर्श पर कर्णकुला सब लिंगुअलिस
कर्ण पूरा सब लिक्विलिस जो स्ट्रक्चर उसके पास में ये खुलती है। इसका जो सीक्रेशन है यानी इसका जो स्राव होता है, जो सीक्रेशन ये करता है, ये ग्रंथि सीक्रेशन करती है, उसमें जल लवण और सेलेवरी एमाइलेज और म्यूसिन होता है। उसमें था जल लवण और सेलेवरी एमाइलेज और टाइलिन था उसमें। इसमें जल लवण सेलेवरी एमाइलेज के साथ में म्यूसिन होता है, इसमें टाइलिन नहीं होता लेकिन म्यूसिन होता है। अब तीसरा जो प्रकार है वो है अवजीवी लार ग्रंथियाँ। अवजीवी का मतलब होता है सब लिंगुअल सेलेवरी ग्रंथ जो जीव के नीचे पाई जाती है, यानी ये ग्रंथियाँ भी संख्या में दो होती है और प्रत्येक के दो भाग होते हैं। इसके इसमें दो ग्रंथियाँ होती है और एक ग्रंथि के दो भाग होते हैं, यानी एक डोर्सल भाग है जिसको सुपीरियर या पोलीस्टोमेटिक या सुपीरियर या डोर्सल ऊपर वाला भाग, दूसरा होता है वेंट्रल नीचे का भाग। वेंट्रल को बोलते हैं इन्फीरियर या मोनोस्टेमिक, मोनोस्टोमेटिक यानी सुपीरियर पार्ट जो है उसकी नलिका मुख गुहा के फर्श पर फ्रीनम लिंगुए के दोनों तरफ कई नलिकाओं रूपित होती है। फ्रीनम लिंगुए का मतलब है जो जीभ का जो नीचे वाला पोर्शन है उसके नीचे एक तंतु टाइप है जो उसको जोड़े रहता है, उसको फ्रीनम लिंगुए बोलते हैं। उसके दोनों ओर फ्रीनम लिंगुए जो है जीभ के नीचे उसके दोनों ओर कई नलिकाओं के रूप में खुलती है, इसलिए इसको पोलिस्टोमेटिक भी बोलते हैं, पोलिस्टोमेटिक भी बोलते हैं। तथा इन्फीरियर जो है, इन्फीरियर नीचे वाली जो है वो सिर्फ एक नलिका के रूप में कॉर्नकुला सबलिंगुअलिस की एक तरफ खुलती है, मतलब कॉर्नकुला सबलिंगुअलिस जो है उसकी एक तरफ खुलती है, एक ही नलिका होती है इसकी। अथवा उसको हम ये कह सकते हैं कि ये वाटसन्स की डक्ट के ऊपरी भाग में के साथ खुलती है। अभी मैंने बताया ना वाटसन्स डक्ट जो है उसके ऊपरी भाग के साथ खुलती है। इसका स्राव जो है वो अधिक लसलसा होता है, इस ग्रंथि का स्राव जो है या सीक्रेशन जो है बहुत लसलसा होता है और इसमें म्यूकस की मात्रा ज़्यादा और सेलेवरी एमाइलेज की मात्रा कम होती है। इसमें म्यूकस की मात्रा ज़्यादा होती है और सेलेवरी एमाइलेज की मात्रा कम होती है और ये अधिक लसलसा होता है, तो ये इसकी कंपोजिशन है। तो आपको याद करना है कि एक तो क्या है कि इसमें ये डक्ट कहाँ खुलती है और ये कहाँ स्थित होती है और इसका जो सीक्रेशन है उसका कंपोजिशन क्या है, और एक इनका भार भी आपको याद करना कि ये अलग अलग भार इनके दिए हुए, एक 115 ग्राम की, 130, 150 ग्राम है, तो ये अभी आपको याद करना है। अब हम देखते हैं घोड़े की लार ग्रंथियों में क्या डिफरेंस है। ये तो थी लार ग्रंथियाँ रूमिनेंट्स की, जो रूमिनेंट्स पशु है उनकी लार ग्रंथियाँ थी। अब घोड़े की लार ग्रंथियों में क्या है कि जो केटल की लार ग्रंथियाँ थी वो आपने पढ़ी होगी, तो उसमें सब मैंडिबुलर सेलेवरी ग्लैंड जो है वो तीनों में सबसे बड़ी होती है, लेकिन घोड़े में पैरोटिड ग्रंथि तीनों ग्रंथियों में सबसे बड़ी होती है, यानी केटल में या रूमिनेंट्स में सेकंड नंबर वाली जो ग्रंथि है यानी सब मैंडिबुलर सेलेवरी ग्लैंड है वो तीनों ग्रंथियों में सबसे बड़ी होती है, लेकिन घोड़े में पैरोटिड ग्रंथि जो है वो तीनों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पैरोटिड ग्रंथि की जो घोड़े में पैरोटिड ग्रंथि की नलिका जो है, ग्रंथि की जो ट्यूब है नलिका है वो अंतिम ऊपरी प्रीमोलर जो है, यानी ऊपर वाले जो प्रीमोलर है, ऊपर वाले प्रीमोलर दोनों साइड के, उसमें जो लास्ट वाला प्रीमोलर है यानी तीसरा प्रीमोलर, उसके सामने पेपिला सेलाइवेलिस के आधार पर होती है। पेपिला सेलाइवेलिस पेपिला होती है मुँह में, उसके आधार पर ये खुलती है। सब मैंडिबुलर ग्रंथि जो है, सब मैंडिबुलर सेलेवरी ग्लैंड की नलिका यानी घोड़े में सब मैंडिबुलर ग्रंथि की नलिका जो है वो कॉर्नकुला सबलिंगुअलिस के रूप में कैनाइन टीथ के सामने खुलती है। कैनाइन टीथ कहाँ होता है? कैनाइन टीथ जो है वो इंसाइजर टीथ के और प्रीमोलर के बीच में होता है, इसलिए उसके सामने खुलती है। और इसमें जो सबलिंगुअल ग्रंथि एकल होती है यानी इसकी जो सबलिंगुअल ग्रंथि जो है, सबलिंगुअल कौन सी होती है? जो जीभ के नीचे पाई जाती है,
वो सबलिंगुअल ग्रंथि इसमें एकल होती है, एक ही होती है, वो डबल जोड़े में नहीं होती है, और सबलिंगुअल फोल्ड में होती है। जो सबलिंगुअल फोल्ड होता है जीभ के नीचे वाला फोल्ड जो है उसमें वो खुलती है। घोड़े में बकल ग्लैंड भी होती है, दो बकल ग्लैंड होती है घोड़े में, एक डोर्सल और दूसरी वेंट्रल। बकल कैविटी में दो बकल ग्लैंड होती है, वो भी आप अगर देखोगे तो आपको जो डायग्राम दिया उसमें आपको बकल ग्लैंड मिल जाएगी। अब हम देखते हैं कुत्ते की लार ग्रंथि। ये घोड़े की लार ग्रंथियों में डिफरेंस था, अब कुत्ते की जो लार ग्रंथि है उसमें क्या है कि जो पेरोटिड ग्रंथि है कुत्ते में, पेरोटिड सेलेरी ग्लैंड जो है उसकी नलिका के ऊपर ऊपर के थर्ड प्रीमोलर के दांत के सामने खुलती है। यानी जो पेरोटिड ग्रंथि की डक्ट है या नलिका है वो प्रीमोलर दांत, थर्ड प्रीमोलर दांत यानी तीसरा प्रीमोलर दांत है उसके सामने बकल कैविटी में खुलती है। इसमें कुत्ते में जो है सब मैंडिबुलर ग्रंथि जो है वो पेरोटिड ग्रंथि से बड़ी होती है। कुत्ते में सब मैंडिबुलर सेलेवरी ग्लैंड जो पेरोटिड सब सेलेवरी ग्लैंड से बड़ी होती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें कुत्ते में सबलिंगुअल जो सेलेवरी ग्लैंड है वो दो होती है संख्या में। कुत्ते में एक दूसरी ग्रंथि और होती है सेलेवरी ग्लैंड, वो होती है जाइगोमेटिक सेलेवरी ग्लैंड। जाइगोमेटिक सेलेवरी ग्लैंड क्या है, ये अतिरिक्त जोड़ी के रूप में होती है, यानी तीन जोड़ी जो बनी पड़ी उसके अलावा एक जोड़ी होती है। ये ग्रंथि जो है टेरिगोपैलेटाइन फोसा, टेरिगोपैलेटाइन फोसा आपने पढ़ रखा है एनाटॉमी में पहले, उसके उस फोसा में होती है, और इसकी चार से पांच डक्ट्स होती है जो नलिका मुख हुआ में ऊपरी मोलर दांत के सामने खुलती है, यानी ऊपरी जो मोलर दांत है उसके सामने खुलती है मुख हुआ में। यानी इसकी डक्ट जो है चार से पांच होती है संख्या में। अब हम पढ़ते हैं सूअर की लार ग्रंथियाँ। सूअर की लार ग्रंथियों में क्या है कि पेरोटिड ग्रंथि की नलिका जो है सूअर में, पेरोटिड ग्रंथि की जो डक्ट है या नलिका है वो फोर्थ प्रीमोलर, चौथा प्रीमोलर और फर्स्ट मोलर के सामने खुलती है, दोनों के सामने बीच में, मतलब चौथा प्रीमोलर और पहला मोलर उसके सामने ये खुलती है। और मैंडिबुलर ग्रंथि है जो छोटी होती है, इसकी मैंडिबुलर ग्रंथि जो है वो छोटी होती है। अच्छा, सबलिंगुअल की वेंट्रल ग्रंथि, यानी सबलिंगुअल ग्रंथि आपने पढ़ा होगा दो ग्रंथियाँ होती है, एक सुपीरियर एक इन्फीरियर, तो इसमें जो वेंट्रल ग्रंथि है नीचे वाली ग्रंथि है उसमें 8 से 10 नलिकाओं के रूप में जो नीचे वाली ग्रंथि है सबलिंगुअल की वो 8 से 10 नलिकाओं के रूप में मुंह के फर्श पर खुलती है, जो मुंह का फ्लोर है वहाँ खुलती है। अब हम देखते हैं मुर्गे की लार ग्रंथियों में क्या फर्क है। मुर्गे की लार ग्रंथियाँ यानी मुर्गे में लार ग्रंथियाँ कई उप होती है, जैसे इनमें तीन होती है ना, तीन पैर ऐसे नहीं, इसमें ज़्यादा होते हैं। यानी जैसे क्या है, मैक्सिलरी पैलेटाइन क्रेनियल लिंगुअल सब मैंडिबुलर एंगुलर सभी मुख हुआ में खुलती है। ये सारी जो है मैंने बताई मैक्सिलरी पैलेटाइन क्रेनियल लिंगुअल सब मैंडिबुलर और एंगुलर ये सारी की सारी मुख हुआ में खुलती है। अच्छा, स्फिनो टेरिगोइड दूसरी ग्रंथि जो है स्फिनो टेरिगोइड पोडल लिंगुअल पोडल सब मैंडिबुलर लेरिंजियल और ये क्या है सब फेरेंक्स की गुहा में खुलती है, फेरेंजियल जो केविटी है उसमें ये सारी खुलती है। तो ये मुर्गे की ग्रंथियां जो है आपको याद रखनी पड़ेगी, जो फेरेंजियल केविटी में खुलती है उनके क्या नाम है और जो मुख गुहा में खुलती है उनके क्या नाम है। तो ये चार पांच मुख गुहा में खुलती है और चार पांच जो है फेरेंजियल केविटी में खुलती है। तो ये आज का लेक्चर जो है वो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में था, जिसमें हमने आज सिर्फ सेलेवरी ग्लैंड्स के बारे में अध्ययन किया। कल हम अन्य जो एसेसरी ऑर्गन्स है उस पर अध्ययन किया, जिसमें पेंक्रियाज है लीवर है और स्प्लीन है, ये हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।